वैसे अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हम कहाँ पर हैं। वैसे मैं बता दूँ आपको कि अभी रोहतक में हम, और रोहतक में हम कल ही आए हैं। और रोहतक में बहुत सारे ऐसे जगह है जो वाकई में घूमने लायक है। इसमें से एक आता है तिल्लियार झील। इंटरनेट वगैरह पर सर्च किया है, बहुत ही अच्छा झील है। कहीं ना कहीं टूरिस्ट पहले से यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं। और मैं आज का मौसम बता दूँ तो यार बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने वो कोहरा जिसको बोलते हैं वो लगे हुए हैं। और दूसरी बात ना यार, बारिश ऊपर से हो रही है। जनवरी के महीने में बारिश होने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा ठंड होगी। खैर अभी मैं बता दूँ आपको, ये मेरा जैकेट है वो पूरा भीग गया है, क्योंकि रास्ते में साइकिलिंग करके ही मैं आया हूँ, तो थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही थी। खैर हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमें इसके अलावा और कहीं और भी जाना है, इसलिए इस जगह को एक्सप्लोर कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको ये जगह। तो अभी हूँ मैं तिल्लियार झील के एक पुल पे, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से झील का क्या ही नज़ारा आता है। अगर मौसम सही होता तो बोटिंग भी करते, बट आज वैसा कुछ मौसम है नहीं। बाकी आप झील देख सकते हो मेरे पीछे, आई थिंक साफ नहीं दिख रहा होगा मौसम ख़राब होने की वजह से। खैर मैं आपको दिखाऊंगा, आप पीछे देखो ये कुछ ऐसा। बाकी मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे ना बंदर ही बंदर भरा हुआ है, और बंदर और कुत्ते से मुझे बहुत डर लगता है। खैर एक है कि अगर आप अगर कहीं जा रहे हो, रास्ते में बंदर मिल गया सामने, मत देखो उसको। अगर देखोगे अटैक कर देगा वो, समझेगा कि मुझे इसलिए देख रहा है कि मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए वो उसको देखो मत। अगर आप बिना देखे उसके बगल से भी गुजर जाते हो तो कुछ नहीं कहता। अब जैसे कि देखो अभी मेरे बगल से ही गुजर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो गया, कुछ नहीं किया। बंदर के और सारे सीन दिखाता हूँ मैं आपको। डर तो लग रहा है मुझे थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने सारे बंदर बैठे हैं। खैर इसको ना छेड़े वही ज़्यादा बेहतर होगा। फिर पहले मैंने देखा कि मेरे साइकिल पे कूद रहे थे, लेकिन मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। साइकिल तो मेरा है, लेकिन जिस जगह पे मैंने खड़ा किया वो जगह मेरा नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता उनको। और एक और आ गया सामने, ये देखो दिख रहा है। खैर चलो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ ये जगह। हे दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे, एक घंटा मान के आए थे कि एक घंटा में सारा एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन अब एक से डेढ़ घंटे दो घंटे लगभग होने वाले हैं। तो अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, कोई और जगह देखते हैं जो घूमने लायक हो, और इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। लास्ट में वही कहना चाहूँगा जो मैं रोज़ कहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी कुछ करना है तो शेयर कर दो। कुछ पूछना है जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा यहाँ का, तो आप कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई इंस्टेंट मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।